अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां बीजेपी नेता रामनिवास रावत ने मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेने पर भाजपा नेता रामनिवास रावत ने कहा, मैं मुख्यमंत्री और पूरी पार्टी का बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे जो भी कार्यभार दिया जाएगा मैं उसका पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। आज शपथ ली है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मुझे जो भी काम दिया जाएगा उसे मैं पूर्ण सत्य निष्ठा से निर्वहन करूंगा और काम को अलग से करके दिखाऊंगा कि अलग तरह से काम कर रहा है। आज शपथ ली है, मैं माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, वरिष्ठ नेता रामनिवास रावत ने आज शपथ ली है। मध्य प्रदेश की जनता के लिए हमें सरकार में नवनियुक्त मंत्री का लाभ मिलेगा। पूरे प्रदेश खासकर हमारे चंबल अंचल में उनकी गहरी पकड़ है और वो क्षेत्र ऐसा है जहां विकास की संभावना है। वही मुख्यमंत्री ने रामनिवास रावत को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। जैसे हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान रामनिवास रावत जी ने आज शपथ ली है, मेरी अपनी ओर से बधाई। मैं अपनी सरकार में नव नियुक्त मंत्री का लाभ मुझे मिलेगा। मध्य प्रदेश की जनता के लिए उनका अपना संसदीय जीवन लंबा है, उनका अपना अनुभव भी बहुत है। मैं समझ सकता हूं कि पूरे प्रदेश को खास करके हमारे चंबल अंचल में उनकी अपनी गहरी पकड़ भी है और वो क्षेत्र ऐसा आता है जहाँ विकास की बहुत संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार उनकी भावना के अनुसार लगातार अच्छे से अच्छा काम करेगी और प्रदेश की सेवा करेगी, मेरी अपनी ओर से बधाई। खबर उज्जैन से है, जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज सेमिनार हॉल में अजाक्स द्वारा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में संगठन को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। अजाक्स के जिला अध्यक्ष, जिला ब्लॉक, तहसील कार्यकारिणी, आजीवन सदस्य उपस्थित हुए और जिन्होंने अपने अपने संगठन को लेकर विचार रखे। संभाग अध्यक्ष जगन्नाथ बागड़ी और जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर एल परमार ने बताया कि अजाक्स चल गांव की ओर अभियान चलाकर घर घर बाबा साहेब की तस्वीर पहुंचाई जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रांतीय सचिव महेश बरोलिया उपस्थित थे। इस दौरान बैठक में सभी पदाधिकारी की सहमति से संभागीय सचिव के पद पर विक्रम सिंह परमार को नियुक्त किया गया। आने वाले दिनों में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है। हमारे जो प्रांताध्यक्ष है, अजाक्स के प्रांताध्यक्ष माननीय जैन कंसोटिया साहब के निर्देशानुसार पूरे प्रांत में तहसील, जिला, ब्लॉक, संभाग स्तर पर सम्मेलन आयोजित करना, संगठनिक गतिविधियों को बढ़ाना और अजाक्स के जो वर्षों से लंबित मुद्दे हैं, प्रमोशन में आरक्षण, विकलांग पदों की पूर्ति, जिसका कई समय से अजाक्स पुरजोर तरीके से अपनी मांगों को उठा रहा है लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उस हेतु रणनीति तैयार करना के लिए अजाक्स की बैठक आयोजित की गई है। मध्य प्रदेश अजाक्स माननीय कंसोर्टिया साहब के नेतृत्व में पूरे प्रांत में स्मूथली रन कर रहे हैं और उन्हीं के निर्देश पे 23 तारीख को एक बैठक आयोजित की गई थी और उसी बैठक को लेकर उसमें जो एजेंडा तय किया गया था पूरे प्रदेश में, पूरे ज़िलों में जो अजाक्स का एजेंडा है उसको लेके ये मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें बेकलक पदों की पूर्ति, जागो समाज जागो, अजाक्स चला गांव की ओर, रोजी रोटी अभियान और इस तरह की बहुत सारी योजनाओं को लेके हम प्रत्येक ज़िले में ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ये इस मीट का आयोजन किया गया, जिसमें उज्जैन संभाग के सारे ज़िले के जिलाध्यक्षगण यहाँ उपस्थित हुए और उनके साथ सभी साथी, सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए, संभाग के पदाधिकारी उपस्थित हुए। हमारे बढ़ते अगली खबर को और उज्जैन के नीलगंगा क्षेत्र में संचालित तो होने वाली 3 दुकानों में आग लग गई। आग की सूचना पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। आपको बता दें कि हालांकि तब तक दुकान में काफी नुकसान हो चुका था। दमकल कर्मी अंकित राजपूत ने बताया है कि 3 दुकानों में आग की सूचना पर पहुंचे थे। आग से 3 दुकानों में काफी नुकसान हुआ है, हालांकि आकलन नहीं हो पाया। आग के कारण दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही है कि कोई हताहत नहीं हुआ। नीलगंगा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
करण चांदनी इजरानी अपने जन्मदिन पर महाकालेश्वर मंदिर भस्म आरती दर्शन करने उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने जन्मदिन के उपलक्ष्य में पुजारी महेश शर्मा व पुजारी अर्पित शर्मा की प्रेरणा से महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को पुजारी महेश शर्मा और पुजारी अर्पित शर्मा की प्रेरणा से महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को 6,50,000 का टाटा कंपनी का लोडिंग वाहन भेंट किया, जिसे मंदिर प्रबंध समिति की ओर से भस्म आरती प्रभारी उमेश पंड्या व रितेश शर्मा ने प्राप्त कर दानदाता का सम्मान किया। मंदिर प्रबंधक समिति के प्रशासक मृणाल मीणा ने बताया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर की सभी व्यवस्थाएं दान के माध्यम से ही संचालित होती है। जय श्री महाकाल। जय महाकाल। बाबा महाकाल की भस्म आरती में आज दिल्ली से आए हमारे श्रीमान करण जी और चांदनी जी, जन्मदिन के उपलक्ष्य में इनकी इच्छा थी कि बाबा के दरबार में कुछ बाबा को दान करें। तो बाबा मैंने मंदिर प्रबंधक से बात की तो उन्होंने बताया कि मंदिर की सुविधा के लिए हमको एक लोडिंग ऑटो चाहिए जो 10 से 15 क्विंटल सामान उसमें तोक सके। तो इनको प्रेरणा दी मैंने कि आप ये दान कीजिए, तो इनकी इच्छा थी जन्मदिन पर ये करें। आज खुशबू सज्जा भी कराई है इन्होंने भस्म आरती में, और दिल्ली से आए जिम्मानों ने दान किया है।